पवित्र आत्मा से भरकर मसीह यीशु यरदन नदी से लौटे और आत्मा उन्हें जंगल में ले गया, जहां 40 दिन तक शैतान उन्हें परीक्षा में डालने का प्रयास करता रहा। इस अवधि में वो पूरी तरह बिना भोजन के रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी। शैतान ने उनसे कहा, यदि तुम परमेश्वर पुत्र हो तो इस पत्थर को आज्ञा दो कि ये रोटी बन जाए। मसीह यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य मात्र रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा। इसके बाद शैतान ने उन्हें ऊंचे पहाड़ पर ले जाकर क्षण मात्र में सारे विश्व के सभी राज्यों की झलक दिखाई और उनसे कहा, इन सब का सारा अधिकार और वैभव मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि ये सब मुझे सौंपे गए हैं, इसलिए ये सब मैं अपनी इच्छा से किसी को भी दे सकता हूँ। यदि तुम मात्र मेरी आराधना करो तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा। मसीह यीशु ने इसके उत्तर में कहा, लिखा है, तुम केवल प्रभु अपने परमेश्वर की ही वंदना करना तथा मात्र उन्हीं की सेवा करना। इसके बाद शैतान ने उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर की चोटी पर खड़ा कर दिया और उनसे कहा, यदि तुम परमेश्वर पुत्र हो तो यहाँ से कूद जाओ, क्योंकि लिखा है, वो अपने स्वर्ग दूतों को तुम्हारी सुरक्षा के संबंध में आज्ञा देंगे तथा वे तुम्हें हाथों हाथ उठा लेंगे कि तुम्हारे पांव को पत्थर से चोट न लगे। इसके उत्तर में मसीह यीशु ने उससे कहा, ये भी तो लिखा है, तुम प्रभु अपने परमेश्वर को न परखना। जब शैतान मसीह यीशु को परीक्षा में डालने के सभी प्रयास कर चुका, वो उन्हें किसी सटीक अवसर तक के लिए छोड़कर चला गया। मसीह यीशु आत्मा के सामर्थ्य में गलील प्रदेश लौट गए। नजदीकी सभी नगरों में उनके विषय में समाचार फैल गया। मसीह यीशु यहूदी सभागृहों में शिक्षा देते थे तथा सभी उनकी सराहना करते थे। मसीह यीशु नाजरेत नगर आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। शब्बात पर अपनी रीति के अनुसार वो यहूदी सभागृह में जाकर पवित्र शास्त्र पढ़ने के लिए खड़े हो गए। उन्हें भविष्यद्वक्ता यशायाह का अभिलेख दिया गया। उन्होंने उसमें वो जगह निकाली जहाँ लिखा है, प्रभु का आत्मा मेरे साथ है, क्योंकि उन्होंने कंगालों को सुसमाचार देने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उन्होंने मुझे बंदियों के छुटकारे का प्रचार, अंधों को रोशनी, कुचले हुओं को कष्ट से छुड़ाने तथा प्रभु की कृपा दृष्टि के समय के प्रचार के लिए भेजा है। तब उन्होंने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथों में दे दी और स्वयं बैठ गए। सभागृह में हर एक व्यक्ति उन्हें एक टक देख रहा था। मसीह यीशु ने आगे कहा, आज आपके सुनते सुनते ये लेख पूरा हुआ। सभी मसीह यीशु की सराहना कर रहे थे तथा उनके मुख से निकलने वाले सुंदर विचारों ने सबको चकित कर रखा था। वे आपस में पूछ रहे थे, ये योसेफ का ही पुत्र है ना? मसीह यीशु ने उन्हें संबोधित करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझसे ये कहना चाहेंगे, अरे चिकित्सक, पहले स्वयं को तो स्वस्थ कर, अपने गृह नगर में भी वो सब कर दिखा जो हमने तुझे कफरनहूम में करते सुना है। मसीह यीशु ने आगे कहा, वास्तव में कोई भी भविष्यद्वक्ता अपने गृह नगर में सम्मान नहीं पाता। सच तो ये है कि एलिया के समय में जब 3.5 वर्ष वर्षा न हुई, इसराइल राष्ट्र में अनेक विधवाएं थी तथा सभी राष्ट्र में भयंकर अकाल पड़ा। एलिया को उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, अतिरिक्त उसके जो सीदोन प्रदेश के सारेप्ता नगर में थी। वैसे ही भविष्यद्वक्ता एलीशा के समय में इसराइल राष्ट्र में अनेक कोढ़ रोगी थे, किंतु सीरियावासी नामान के अतिरिक्त कोई भी शुद्ध नहीं किया गया। ये सुनते ही यहूदी सभागृह में इकट्ठा सभी व्यक्ति अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने मसीह यीशु को धक्के मारते हुए नगर से बाहर निकाल दिया और उन्हें खींचते हुए उस पर्वत शिखर पर ले गए जिस पर वो नगर बसा हुआ था, कि उन्हें चट्टान पर से नीचे धकेल दे। किंतु मसीह यीशु बचते हुए भीड़ के बीच से निकल गए। वहां से वो गलील प्रदेश के कफरनहूम नामक नगर में आए
और शब्बात पर लोगों को शिक्षा देने लगे। मसीह यीशु की शिक्षा उनके लिए आश्चर्य का विषय थी, क्योंकि उनका संदेश अधिकार पूर्ण होता था। सभागृह में एक प्रेतात्मा से पीड़ित व्यक्ति था। वो ऊंचे शब्द में बोल उठा, ओ नाजरत के यीशु, हमारा और तुम्हारा एक दूसरे से क्या लेना देना? क्या तुम हमें नाश करने आए हो? हम सब जानते हैं कि तुम कौन हो, परमेश्वर के पवित्र जन। चुप! मसीह यीशु ने कड़े शब्द में कहा, उसमें से बाहर निकला। प्रेत ने उस व्यक्ति को उन सब के सामने भूमि पर पटक दिया और उस व्यक्ति की हानि किए बिना उसमें से निकल गया। ये देख वे सभी चकित रह गए और आपस में कहने लगे, विलक्षण है ये संदेश, ये बड़े अधिकार तथा सामर्थ्य के साथ प्रेतों को आज्ञा देता है और वे मनुष्यों में से बाहर आ जाते हैं। उनके विषय में यह वर्णन आसपास के सभी क्षेत्रों में फैल गया। यहूदी सभागृह से निकलकर मसीह यीशु शिमोन के निवास पर गए। वहां शिमोन की सास ज्वर पीड़ित थी। शिष्यों ने मसीह यीशु से उन्हें स्वस्थ करने की विनती की। मसीह यीशु ने उनके पास जाकर ज्वर को फटकारा और ज्वर उन्हें छोड़ चला गया। वो तुरंत बिछौने से उठकर उनकी सेवा टहल में जुट गईं। सूर्यास्त के समय लोग विभिन्न रोगों से पीड़ितों को उनके पास ले आए। मसीह यीशु ने हर एक पर हाथ रख उन्हें रोग से मुक्ति प्रदान की। इसके अतिरिक्त अनेकों में से प्रेत ये चिल्लाते हुए बाहर निकल गए, आप तो परमेश्वर पुत्र हैं। किंतु मसीह यीशु उन्हें डांट कर बोलने से रोक देते थे, क्योंकि प्रेत उनके मसीह होने के सत्य से परिचित थे। पौ फटते ही मसीह यीशु एक सुनसान स्थल पर चले गए। लोग उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच गए। वे प्रयास कर रहे थे कि मसीह यीशु उन्हें छोड़कर ना जाएं। मसीह यीशु ने स्पष्ट किया, ये जरूरी है कि मैं अन्य नगरों में भी जाकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दूं, क्योंकि मुझे इसी उद्देश्य से भेजा गया है। इसलिए वो यहूदिया प्रदेश के यहूदी सभागृहों में सुसमाचार का प्रचार करते रहे।